नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है टेक्नो स्पार्क गो 2020 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में अपनी एप्लीकेशंस को कैसे हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिसको आप नहीं शो करना चाहते हैं किसी को, या फिर अपने मोबाइल में नहीं शो करना चाहते हैं, तो उसको कैसे हाइड करना है, तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे अपने स्क्रीन पे यहाँ पे ऐसे टच करके रखेंगे, कहीं पे भी आप खाली स्क्रीन पे टच करके रखेंगे, थोड़ी देर दबा के रखेंगे, तब आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, डेस्कटॉप सेटिंग करना है। चौथे नंबर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सबसे ऊपर आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्लस के निशान पे चले जाएंगे। तो प्लस के निशान पे मैं क्लिक करूँगी तो आपके सामने ये सारी एप्लीकेशंस खुल के सामने आ जाएंगी जो आपके मोबाइल में होंगी। तो यहाँ पे आपको जो जो एप्लीकेशंस हाइड करनी है आप उसको हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे वाइट स्टूडियो कर देती हूँ, यूट्यूब कर देती हूँ, ऐसे वन बाय वन। फॉर एग्जांपल मैंने इतनी सारी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली है और इसके बाद मैं यहाँ पे बैक पे चली जाऊँगी। तो यहाँ पे आपकी हाइड ऐप्स में इतनी सारी एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद आप बैक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके डेस्कटॉप पे से या फिर आपके मोबाइल में से यहाँ से सारी एप्लीकेशन हाइड हो गई है। तो इस टाइप से आप अपने एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। और अगर आपको हाइड एप्लीकेशन देखनी है तो आपको दोबारा से ऐसे दबा के रखना है और दोबारा से उसी पेज पे चले जाना है डेस्कटॉप सेटिंग पे, और इसके बाद हाइड ऐप्स पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन दिख जाएंगी, आप यहाँ से ओपन कर लेंगे डायरेक्ट तो ये ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर आपको इसको डिलीट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर रिमूव पे क्लिक करेंगे और दोबारा से इसको अनचेक कर देंगे। जितनी भी एप्लीकेशन आपने चेक की थी सबको अनचेक कर देंगे और इसके बाद बैक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स में आपकी एक भी एप्लीकेशन नहीं है, और इसके बाद आप बैक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी एप्लीकेशन वापस आ गई है आपकी। तो इस स्टेप से आप अपने एप्लीकेशंस को हटा भी सकते हैं अपने मोबाइल पे से और लगा भी सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।